नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कोविड-19 जो कि एक महामारी के रूप में आज संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। विश्व की महाशक्ति अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली जो बहुत ही समृद्धशाली देश हैं, आज वो कोविड-19 के सामने धराशायी हो चुके हैं। उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। आज मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्लीज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, प्लीज सभी लोग उसको फॉलो करें। बहुत से अराजक तत्व हैं, जैसे कि अभी आपने देखा निजामुद्दीन का केस। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जब निजामुद्दीन का केस नहीं हुआ था, उससे पहले क्या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे और आज क्या कंडीशन है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए आप लोगों को, जिस तरह से आप लोगों ने ये फैलाया है। अरे कोई आपको समझा रहा है, मोदी जी समझा रहे हैं, इतनी पुलिस प्रशासन बल समझा रहा है, सभी डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल सभी समझा रहे हैं कि प्लीज बी सेफ, घर में रहिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहन के रखिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो जो ये अराजकता फैला रहे हैं। मैं कृपया उन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं, एज ए मेडिकल प्रोफेशन से होते हुए, कि प्लीज आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है, कि प्लीज सभी लोग घर में रहें। आप अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए प्लीज सभी लोग घर में रहें। हमारा देश हेल्थ केयर के मामले में इतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, फिर भी आज हमारा देश कहाँ है आपको कंपेयर करके बताता हूं। जैसे कि राइट नाउ मैं रसिया में हूं। रसिया की कुल पॉपुलेशन ओनली 14 करोड़ है और हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। आप सोच सकते हैं, हमारा देश में आज आई थिंक मैंने न्यूज पे देखा था तो समथिंग 4,000 अबव कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं और रशिया में राइट नाउ मोर देन 6,000 पेशेंट हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज हमारा देश किस कंडीशन में है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा कि हमारा देश बहुत अच्छा कंडीशन में है, लेकिन फिर भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल, उन्होंने जो की, पहले उन्होंने एक संदेश दिया हेल्थ केयर के लिए, सभी को अप्रिशिएट किया, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, कि सभी लोग उनका उत्साहवर्धन कीजिए। डॉक्टर्स हैं या कोई भी है जो भी आज कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहा है, सभी के लिए तो उन्होंने तालियां, उन्होंने कहा कि अपने घर से ही तालियां, घंटियां या जो भी है वाद्य यंत्र आप बजा सकते हैं, आप बजाइए। फिर उन्होंने एक संदेश, मैसेज दिया कि सभी लोग अपने घर से, अभी आपने जैसे कि लास्ट संडे को एक दीपक जलाएं, तो आज हमारे देश में पूरी यूनिटी के साथ अपने घर पे, चाहे वो बड़ा हो, मैंने देखा कि बड़ा से बड़े आदमी और छोटा से छोटा, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला, उसने भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को माना है और उन्होंने अपने घर पे दीपक जलाया है। बहुत अच्छा लगता है, आज हमारा देश एक साथ है इस महामारी के विरुद्ध, आज हमारा पूरा देश लड़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चंद लोग हमारे देश का भला नहीं चाह रहे, वो देश का ही नहीं, वो अपना भला नहीं चाहते हैं, अपने परिवार का भला नहीं चाहते हैं। मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं ऐसे लोगों को। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जो वो बता रहे हैं, उनको कृपया फॉलो कीजिए। खुद सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पे आज हमारे देश में बहुत से लोगों ने पीएम रिलीफ फंड में डोनेशन किया है, मैंने भी अपना कुछ थोड़ा सा सहयोग किया है। आपसे जो भी सहयोग बनता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितना आपसे सहयोग बन पा रहा है, आप सहयोग कीजिए। आज हमारे देश को आपकी सहयोग की जरूरत है, हम सबकी सहयोग की जरूरत है। कृपया सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना कुछ ना कुछ, आप उस लायक हैं तो आप धन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। अगर आप
उस लायक नहीं है तो कृपया आप अपने घर पे रह के दूसरों को अप्रिशिएट करके सहयोग कीजिए। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको समझाइए कि आप प्लीज घर से ना निकले। जो अभी ये जो अपना संबंध जो भी है, ये मुझे यहां घूमना है वहां घूमना, प्लीज मत कीजिए। अभी कुछ दिन की बात है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों मैं आपको पीएम रिलीफ फंड की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके आपसे जो सहयोग बन सकता है आप कीजिए। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैड़े कमाते हैं और खाते हैं। आज इस महामारी की वजह से उनका जीवन यापन पे एक प्रतिबंध सा लग गया है, एकदम रुक गया है उनका जीवन। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि आपके घर के आसपास कोई गरीब हो, कृपया उसकी मदद करें। आज बहुत सी एजेंसियां, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल, आज सहयोग कर रहे हैं, बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, एक या दो लोगों के लिए आप एक्स्ट्रा खाना बनाइए। आपके घर के आसपास यदि कोई आपको असहाय दिखता है, आप पैकेट उसे दे दीजिए। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं और आपको कोई नहीं दिखता है, तो फिर आप आपके घर के बाहर चारों तरफ पुलिस वाले लोग घूम रहे हैं, आप उनको दे दीजिए। तो आपका खाना ऐसे जरूरतमंद तक पहुंच जाएगा जिसको उस भोजन की जरूरत है। कृपया आज हमारे राष्ट्र हित के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। कृपया सभी लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।